नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सिद्धार्थनगर जनपद में 75 अमृत सरोवर का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। ग्राम पंचायत मझारी में बन रहे अमृत सरोवर पर डुमरियागंज सांसद और मुख्य विकास अधिकारी पहुंचकर अमृत सरोवर का निरीक्षण कर वृक्षारोपण भी किया। बांसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत मझारी के निविया हवा में अमृत सरोवर का निर्माण चल रहा है, जहां स्वतंत्रता दिवस के दिन शाम के समय मौके पर डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल और मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार पहुंचे। बांसी BDO प्रवीण यादव और प्रधान प्रतिनिधि मोहन सहित स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सांसद ने पहले संबोधन में केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया और कहा कि ये अमृत सरोवर जिले में सबसे अच्छी होनी चाहिए। वहीं अमृत सरोवर पर सोलर लाइट लगवाने के लिए सांसद ने कहा। फिर वृक्षारोपण किया और उसके बाद मनरेगा में मेहनत से काम करने वाले कुछ मजदूरों में प्रशस्ति पत्र भी वितरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को संबोधित करते हुए देश की राजधानी लाल किले के प्राचीर से आज उन्होंने फिर इन अमृत सरोवरों की का उल्लेख किया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे अमृत महोत्सव का जो ये कालखंड है, इसके उपलक्ष्य में हर जनपद में 75 अमृत सरोवर बन रहे हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने किया। आज उसी श्रृंखला में हम मझारी में जो यहाँ का अमृत सरोवर बन रहा है, हम मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार जी, हमारे BDO यादव जी, प्रधान मोहन कुमार जी और सभी लोग आए और जिस तरह से यहाँ की महिलाओं में, यहाँ के पुरुषों में इस अमृत सरोवर को लेकर के उत्साह है कि एक इतनी सुंदर जगह गांव में फिर से, जहाँ पे पूरे साल जल से ये सरोवर भरा रहेगा और इस सरोवर के किनारे किनारे पाथवे बनेगा, इंटरलॉकिंग बनेगी, लाइट सोलर लाइट लगेगी, इसके पास एक ओपन जिम बनेगा जहाँ शाम को बच्चे कुछ देर एक्सरसाइज करेंगे, जो अभी तक केवल शहरों में बच्चों के लिए एक एक्सरसाइज की विधा होती थी, वो आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में गाँव में मोदी जी के निर्देश पे आज गांव-गांव में हो रहा है। सिद्धार्थनगर में जहां इस 75 अमृत सरोवर तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन इस तरह के अमृत सरोवर हम 142 हमारे जिले के प्रशासन ने, जिलाधिकारी श्री रंजन विकास अधिकारी ने अब तक 142 पे कार्य हो रहा है, जिस पर 70%, 80%, 90% काम हो रहा है। अगले 1-2 महीनों में 142 कंप्लीट हमारे अमृत सरोवर हो जाएंगे और 227 और छोटे सरोवर बन रहे हैं, जो गांव में ताल तलैया पोखर पोखरी या सब तालाब सूख रहे थे, आज उनको फिर से नया पुनर्जीवन योगी जी और मोदी जी के निर्देश पर मिल रहा है। और ये वाटर बॉडी केवल एक टहलने के स्थल नहीं होगा, बल्कि इस गांव के सभी जानवरों के लिए गर्मी की चिलचिलाती धूप में जब पानी का संकट होता है तो उनके जीवन के लिए ज़रूरी है, जल ही जीवन है। और बच्चे जब गर्मी में धूप से तपती हुए शाम को या सुबह नहाते हैं तो वो फिर से पुरानी जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है। द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456214। बलरामपुर के तुलसीपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को टिकट मिलने में जहां परेशानी है, वहीं अंदर से दलालों को टिकट धड़ल्ले से मिल रही हैं। तुलसीपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट घर में जहां टिकट मशीन बरसों से खराब पड़ी है, वहीं टिकट विंडो एक होने के कारण लोगों को टिकट मिलने में आधा से एक घंटा तक लग जाता है और अंदर से दलालों को टिकट देने में टिकट बाबू बिजी रहते हैं। यात्रियों ने बताया कि हम लोग एक घंटे से खड़े हैं और टिकट नहीं मिल पा रहा है।
जबकि आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। ट्रेन आने वाली है, इसी में बोल दिया जाता है कि फुटकर पैसा लेकर आओ तथा अंदर से दलालों को टिकट दिया जा रहा है। मात्र एक ही विंडो खोलने से जहां टिकट मिलने में देरी होती है, वहीं कहीं कभी तो गाड़ी भी छूट जाती है। टिकट मशीन के लिए तथा दो टिकट खिड़की खोलने के लिए व्यापार मंडल तुलसीपुर सहित कई लोगों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की थी, किंतु आज तक रेलवे विभाग लोगों की बात अनसुनी कर वैसे का वैसा ही बना हुआ है, जिससे यात्रियों को भारी दुविधा होती है। आर्य समाज तुलसीपुर संरक्षक जय सिंह ने मांग की है कि दो टिकट विंडो खोले जाएं तथा टिकट मशीन भी चालू किया जाए, जिससे यात्रियों को सुविधा हो सके। उन्होंने रेलवे प्रशासन से ये मांग की है कि सवारी गाड़ी में सवारी गाड़ी का ही पैसा लिया जाए तथा वृद्ध और महिलाओं के टिकट पर भी छूट दी जाए। हम तो तुलसीपुर ही रहते हैं। अच्छा, कहीं जा रहे हैं? हाँ, जो है गोरखपुर। अच्छा अच्छा, तो टिकट के लिए कितने देर से लाइन में खड़े हैं, क्या परेशानी हो रही है? आधा घंटा से तो ऊपर हो गया, ये लाइन बगल वालों को दे रहे हैं। हाँ, लोग लाइन में लगे हुए हैं, जो है टिकट ही जो है। अंदर से सुना है दलालों को भी टिकट दे रहे हैं। हाँ, वो तो सब हो रहा है हर तरह का। जो आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं कि काउंटर हम खोल दें, फिर जो है जीआरटी की भी व्यवस्था हो। यहाँ कोई सुविधा है नहीं, न कोई देखने वाला है, है ना? आ व्यवस्था है सब। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बलरामपुर के तुलसीपुर गोरखपुर से चलकर गोंडा जाने वाली डेमो ट्रेन में लगातार जहां एक ओर किन्नरों की दादागिरी चलती है, वहीं तमाम भिखारियों की भीड़ भी रहती है तथा गुटखा और पान मसाला, बिना लाइसेंस पानी बेचने वाले तथा अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वालों का जमावड़ा रहता है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी भीड़ को देखते हुए जेब कतरे भी अपना शिकार ढूंढ लेते हैं, जबकि जीआरपी की ड्यूटी होनी चाहिए, जिससे नागरिकों को सुविधा हो सके। कोई आपराधिक घटना घट जाने के बाद रेलवे पुलिस भी अपनी मनमानी करने आ जाती है। इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन रेलवे विभाग के उच्च अधिकारी आँख बंद किए हुए बैठे हैं। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाएं, संपर्क करें 9918781000। राजस्थान के बारा छिपाबडोद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के गांवों में मंदिरों और आश्रमों पर होने लगा महाआरतियों का आयोजन। महाआरती का आयोजन सबसे पहले वैष्णव बैरागी विकास सेवा समिति अध्यक्ष विनोद कुमार वैष्णव और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना छिपाबडोद के तहसील अध्यक्ष कुलदीप सिंह सिरोहिया की पहल से हरनावदी जागीर के मध्य राव राजा साहब के गढ़ के पास इहासी नदी के तट पर बने विशाल हनुमान जी महाराज के आश्रम पर सबसे पहले महाआरती का आयोजन किया गया था। विनोद कुमार वैष्णव ने बताया कि महाआरती का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म के प्रति आस्था, विश्वास और धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए महाआरती का आयोजन किया गया था, ताकि हिंदू भाई कम से कम सप्ताह में एक बार मंदिर और आश्रमों पर महाआरती में भाग ले सकें और हिंदू एकता का भी परिचय दे सकें।
श्री राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना के अध्यक्ष कुलदीप सिंह सिरोहिया ने बताया कि महाआरती का आयोजन 2 महीने पहले मंगलवार को कैंथ वाले बालाजी महाराज के आश्रम में शुरू हुआ था, जिसके बाद नलखेड़ी हनुमान जी के मंदिर पर शनिवार को श्री मनसापूर्ण रामबनी हनुमान मंदिर सालपुरा रोड हरनावदा जागीर, रविवार को श्री कालाजी महाराज के बांग टांचा और उसके बाद कुलखेड़ी में शंकर भगवान के नवनिर्मित मंदिर पर भी महाआरती का सफल आयोजन किया जा रहा है। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी, पहले आए पहले पाए। संपर्क करें 9918781000। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के ग्राम असवाई में 50 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। सूचना पर एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण सिंह भी मौके पर आ गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक के बाथरूम में जहर के 2 पाउच और शराब और 1 डिस्पोजल ग्लास भी मिला है। फिरोजाबाद के थाना शीर्षागंज क्षेत्र के ग्राम असवाई निवासी अर्जुन सिंह की मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर क्षेत्र अधिकारी सिरसागंज देवेंद्र सिंह, थाना अध्यक्ष सिरसागंज उदयवीर मलिक पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके साथ ही जानकारी होने पर एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण सिंह भी घटनास्थल पर आ गए। डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। थाना सिरसागंज के असवाई में एक 50 वर्षीय अर्जुन नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। जिस चारपाई पर लेटा हुआ था उसी पर इसका एक बेटा भी लेटा हुआ था और घर में इसकी माँ भी थी। तो चीज़ों को देखा जा रहा है। फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड आ गया है, पीएम कराया जाएगा, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित जीएनएम नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से, न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे आरओ का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412287579456214। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हड्डियों के दर्द आदि के जाने माने क्लिनिक SN आर्थो न्यूरो केयर बस स्टैंड पर निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम मरीज पहुंचे। क्लिनिक के संचालक डॉक्टर के अहमद हर तीसरे माह में शिविर का आयोजन करते हैं। शिविर में आए मरीजों का निशुल्क जाँच एवं प्राथमिक उपचार किया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर के अहमद, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट और संचालक SN आर्थो न्यूरो केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज हमने BMD जांच की शिविर का आयोजन किया है, जिसमें दर्द वाले मरीज, लकवा वाले मरीज और कई प्रकार के जो दर्द वाले मरीज होते हैं वो देखे गए और लगभग 30 से 40 पेशेंटों का इलाज किया गया फिजियोथेरेपी पद्धति से। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें ड्रगलेस पद्धति है ये, और जांचें निःशुल्क हुई और हम ये कैंप हर 3 महीने 2 महीने में अपने क्लिनिक पर लगाते रहते हैं और
माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. राजपूत। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली में पुलिस द्वारा पत्रकार को पीटने का मामला लखीमपुर खीरी से लखनऊ तक गूंज रहा है। दरअसल विकास नाम के एक स्थानीय पत्रकार को पत्नी से हुई मामूली आपसी विवाद में निघासन कोतवाली पुलिस ने कोतवाली लाकर बुरी तरह पीट दिया। घटना को लेकर जिले भर के पत्रकारों में आक्रोश है। जगह जगह पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों के आक्रोश को देखकर एसपी खीरी ने कोतवाली में तैनात 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया, परंतु अभी तक पुलिस मामले में कोतवाली प्रभारी व क्राइम इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पत्रकारों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पलिया के पत्रकारों ने सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया और फिर बाद में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। लखीमपुर जिला मुख्यालय में दर्जनों पत्रकार ने एसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी पत्रकार को न्याय देने की आवाज़ उठाते हुए पत्रकार को पीटने वाले पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने की मांग की है। हमारे साथ पुलिस ने जो है बड़ी अभद्रता के साथ पिटाई की और पत्नी का मामूली सा विवाद था जिसको लेकर समझौता भी हो गया। पुलिस ने रात को 3rd degree का प्रयोग किया और बहुत बुरी तरीके से पीटा है। हम यह चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो है न्याय की उम्मीद लगाए हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। इसमें कुछ लोगों को निलंबित किया, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? जो बड़ी मछलियाँ हैं वो बची पड़ी है, छोटी मछलियों के ऊपर जो है जाल फेंका गया है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि पूरा स्टाफ जो है निलंबित हो और मुकदमा दर्ज हो। निघासन लखीमपुर खीरी के पत्रकार विकास दीक्षित अटल को कल जिस प्रकार से निघासन थाने में लाकर उनकी पिटाई की गई और उनके साथ 3rd degree का इस्तेमाल किया गया, वह अत्यंत निंदनीय और भर्त्सना युक्त है। अधिकार सेना इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR और उनके तत्काल निलंबन की मांग करती है। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। नमस्कार, स्वागत है आपका DB भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। सिद्धार्थनगर जनपद में 75 अमृत सरोवर का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। ग्राम पंचायत मझारी में बन रहे अमृत सरोवर पर डुमरियागंज सांसद और मुख्य विकास अधिकारी पहुंचकर अमृत सरोवर का निरीक्षण कर वृक्षारोपण भी किया। बांसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत मझारी के निवीय हवा में अमृत सरोवर का निर्माण चल रहा है, जहां स्वतंत्रता दिवस के दिन शाम के समय मौके पर डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल और मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार पहुंचे। बांसी BDO प्रवीण यादव और प्रधान प्रतिनिधि मोहन सहित स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सांसद ने पहले संबोधन में केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया और कहा कि ये अमृत सरोवर जिले में सबसे अच्छी होनी चाहिए। वहीं अमृत सरोवर पर सोलर लाइट लगवाने के लिए सांसद ने कहा, फिर वृक्षारोपण किया और उसके बाद मनरेगा में मेहनत से काम करने वाले कुछ मजदूरों में प्रशस्ति पत्र भी वितरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को संबोधित करते हुए देश की राजधानी लाल किले के प्राचीर से आज उन्होंने फिर इन अमृत सरोवरों की का उल्लेख किया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे अमृत महोत्सव का जो ये कालखंड है, इसके उपलक्ष्य में हर जनपद में 75 अमृत सरोवर बन रहे हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने किया। आज उसी श्रृंखला में हम मझारी में जो यहाँ का अमृत सरोवर बन रहा है, हम मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार जी, हमारे BDO यादव जी, प्रधान मोहन कुमार जी और सभी लोग आए और जिस तरह से यहाँ की महिलाओं में, यहाँ के पुरुषों में इस अमृत सरोवर को लेकर के उत्साह है कि ये कितनी सुंदर जगह
गांव में फिर से जहां पे पूरे साल जल से ये सरोवर भरा रहेगा और इस सरोवर के किनारे किनारे पाथवे बनेगा, इंटरलॉकिंग बनेगी, लाइट सोलर लाइट लगेगी, इसके पास एक ओपन जिम बनेगा जहां शाम को बच्चे कुछ देर एक्सरसाइज करेंगे, जो अभी तक केवल शहरों में बच्चों के लिए एक एक्सरसाइज की विधा होती थी, वो आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में गांव में मोदी जी के निर्देश पे आज गांव-गांव में हो रहा है। सिद्धार्थनगर में जहां इस 75 अमृत सरोवर तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन इस तरह के अमृत सरोवर हम 142 हमारे जिले के प्रशासन ने, जिलाधिकारी श्री रंजन विकास अधिकारी ने अब तक 142 पे कार्य हो रहा है, जिस पे 70%, 80%, 90% काम हो रहा है। अगले एक दो महीनों में 142 कंप्लीट हमारे अमृत सरोवर हो जाएंगे और 227 और छोटे सरोवर बन रहे हैं, जो गांव में ताल तलैया पोखर पोखरी या सब तालाब सूख रहे थे, आज उनको फिर से नया पुनर्जीवन योगी जी और मोदी जी के निर्देश पर मिल रहा है। और ये वाटर बॉडी केवल एक टहलने के स्थल नहीं होगा, बल्कि इस गांव के सभी जानवरों के लिए गर्मी की चिलचिलाती धूप में जब पानी का संकट होता है तो उनके जीवन के लिए ज़रूरी है, जल ही जीवन है। और बच्चे जब गर्मी में धूप से तपते हुए शाम को या सुबह नहाते हैं तो वो फिर से पुरानी जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। सिद्धार्थनगर जिले में धड़ल्ले से चल रहे फर्जी अल्ट्रासाउंड पर लगाम लगाने के लिए चिकित्सा विभाग ने पूरी तरह कमर कस ली है। इसी कड़ी में बडरपुर ब्लॉक के बडरपुर चौराहे पर स्थित बुद्धा अल्ट्रासाउंड सेंटर सहित कई अल्ट्रासाउंड पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापा मारने गई टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों के वैध कागजात के साथ साथ अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर वैद्य डॉक्टरों द्वारा अल्ट्रासाउंड करने की भी पुष्टि की है। इस छापेमारी के बारे में छापे मारने वाली टीम की अगुवाई कर रहे डॉक्टर एस एन त्रिपाठी ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी जिस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं, यहां पर घोर अनियमितताएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि इस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अल्ट्रासाउंड करने वाला व्यक्ति भी डॉक्टर नहीं है, साथ ही अल्ट्रासाउंड सेंटर का रिन्यूअल भी अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अवैध अल्ट्रासाउंड चलने की सूचना पर यह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। सर, आज आपने यहाँ बुद्धा अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की है, सर क्या मामला है और क्या गुणदोष पाए गए? हम लोग रूटीन चेकअप कर रहे हैं, उसके तहत बुद्धा अल्ट्रासाउंड सेंटर को देखा गया और यहाँ पर बिना डॉक्टर के टेक्नीशियन द्वारा अल्ट्रासाउंड किया गया हुआ पाया गया और यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, उसके बारे में हम लोग नोटिस दे रहे हैं, उसे जो है एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है और उसके बाद जो भी सर रजिस्टर्ड है या आपके विभाग से? रजिस्टर्ड तो है लेकिन रिन्यूअल नहीं। सर ऐसे बहुत से अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं जहां गैर विशेषज्ञ द्वारा अल्ट्रासाउंड कर रहा है, तो क्या सर उन पर भी छापेमारी की जाएगी? बिल्कुल, उन पर भी हम उसी उद्देश्य से हम लोग निकले हैं और उसी के तहत भी कार्रवाई नियम का। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। द्वारा संचालित जीएनएम नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण साक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे आरओ का पानी सुविधा उपलब्ध।
कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456214। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम। योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से। न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर। बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456214। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, CC रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए। संपर्क करें 9918781000। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त। पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त। पादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे, निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।